ठीक है, वापस आते हैं जीवस में। हम लोग ने लास्ट टाइम कुछ ऐसा कुछ हमने बनाया, ठीक है। अभी एक एक काम को करने का प्रोसेस अलग अलग है, चलो हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं कि कैसे क्या काम करें यहाँ पे, ठीक है। तो लुक एंड फील देने के लिए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को आएंगे, थोड़ा सा वापस स्ट्रक्चर को फुलफिल करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रेफरेंसेज हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस है। तो अभी हम लोगों ने रेफरेंस पहले जो लगाने देखा था वो हमने देखा था जीवस में, हुमाया में देखा था। आज हम लोग देखेंगे जीवस में कैसे रेफरेंस लगाएं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हम लोग जब लुक एंड फील दें तो वो थोड़ा सा आइडिया मिल सके यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इस रेफरेंस को लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा वर्ड ओपन भी दिया, मैं फोटोशॉप में चला जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक फोटोशॉप ओपन हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को ब्लॉकिंग वाइज मैनेज करते हैं तब तक, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, प्लस प्लस प्लस, अभी उन्हें डिटेलिंग नहीं दिया, जस्ट बेसिक सा शेप हम लोग यहाँ पे देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि लाइक कुछ ब्रशेज हैं, उन ब्रशेज को जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक ब्रशेज को, वो हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे भी काम करना है लाइक फेस पे, मैं आता जाता हूँ फेस में आने के बाद, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ कि मैं यहाँ पे काम करते मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे बस है, तो ऐसा कुछ मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो मैं बस पार्ट कैसा है, लाइक क्ले बिल्डअप मैं वर्क करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्ले बिल्डअप के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रेंथ को मैंने कम कर दिया, एक दो बहुत है, लेकिन स्ट्रेंड अप कि मैं ऐसा कुछ यहाँ पे काम करूँगा तो बस चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे, नोज वाला पार्ट में बस कैसे आने वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोन होता है, साइज को थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ को ऐसे भी कुछ मैं सेटअप दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन मैं दो चीज़ को ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट, प्लस के जूम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो शेप्स को मुझे कैसे देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पे। अब ये चीज़ मुझे अगर अच्छे से कवर करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास मुझे यहाँ पे कुछ एक स्पेयर चाहिए आईबॉल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के बाद मैंने स्पेयर 3D ले लिया, फोकस कर दिया, फर्स्ट फोकस, ये स्पेयर मेरे पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेयर को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, स्केलिंग वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, स्केल आप कर सकते हो। एक स्केलिंग का पार्ट आपके यहाँ पे, दूसरा पार्ट साइज का पार्ट भी आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दें तो हमारे पास काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट वी वॉन्ट लाइक स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। तो यूनिवर्सल स्केल कर रहा है, बीच से स्केल करना है यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, वन साइड मुझे वर्क करना है। तो यहाँ पे मुझे अभी देखो मैं पता एक साइड में खींचूंगा तो कैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और आप चाहो यहाँ पे थोड़ा सा साइड वाइज थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग है, स्केलिंग मैनेज करो, आपको थोड़ा सा आईबॉल का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब जस्ट ब्लॉकिंग हम लोग करके देखना, भाई मुझे ब्लॉकिंग में ऐसा कुछ करके देना है आईबॉल मेरे पास यहाँ पे कुछ दिखे, ठीक है। आईबॉल देखने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखेगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा शेप और स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ। साइड है ना मेरे पास यहाँ पे, देखो साइड में कितना पार्ट आपका रहने वाला, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, इतना पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट का ऑप्शन मिला यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन पे गए, और डिफॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया मिरर, मिरर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोकस, देन इतने पार्ट में यहाँ पे काम करने वाला हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे इतना पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो साइड वाइज चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है। शेप्स में बस कैसा है और किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है यहाँ पे। तो लाइक एक बॉल इस पर हम लोग लगा देते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में बस ऐसे है, शेप प्रेस करना है यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पे। तो ऐड कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको और बताता हूँ। देखो शिफ्ट एफ प्रेस करो, सेगमेंट्स यहाँ पे देखना है यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे मैं डिवीजन की मुझे नीड होती है, तो थ्री लेवल पे हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करा पे थोड़ा, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो जस्ट मुझे थोड़ा सा ब्लॉक रेडी करना है, फ्रंट और साइड से थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। यहाँ पे अगर देखें तो चीज़ें क्या होती है, जो आपका अपर आई होता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं फेस पे काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक एनाटॉमी भी लेके चलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फेस वाइज काम कर रहा हूँ तो मेरे पास लाइक एनाटॉमी की नॉलेज होना जरूरी है। एनाटॉमी के नॉलेज होने के लिए आई सजेस्ट कि आप लोग एक बर्न आउट का बुक है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इसमें एनाटॉमी के बारे में देखोगे कि काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉकिंग कैसे कर रहे हो, डिटेल कैसे दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आई का पार्ट कैसा है, ठीक है, आपको लाइक कौन कौन से पार्ट हैं, उनके नाम क्या क्या, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे जैसे सुपर सिलरी आर्क दिख रहा है, तो ये कैसे पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जॉ हिंज कैसे है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका लाइक फेशियल मास्क, तो इन चीज़ों को तो आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी क्या, बिना रेफरेंस के अगर काम करें तो हमें इन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक मैं अगर मेरे पास रेफरेंस नहीं है, वट आई वॉन्ट, मैं अगर यहाँ बिना रेफरेंस के अगर मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ, तो फिर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं देखूंगा और थोड़ा सा मैनेज करूँगा। तो ये क्या, थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे देखो तो आपकी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि शेप्स आपका कैसा है, ठीक है, आपके चीज़ें हैं तो किस टाइप से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और लाइक थोड़ा सा मैं पार्ट यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना, पे एक लाइन है किस टाइप से मुझे देना है, ओके, लिप्स की लाइन कैसे है, नोज के पार्ट कैसे है यहाँ पे, ठीक है, आई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो थोड़ा सा इसको आपको देखना है। क्रेनियल मास्क करके आप ऑप्शन देखो कैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा मेजरमेंट आपको मिलेगा, जैसे जॉ लाइन दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, जॉ लाइन के बहुत बेसिक से फंडा दिखा है यहाँ पे, देखो जॉ लाइन पर अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखेगा, अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे दिया, तो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे जॉ लाइन दिखे, यहाँ पे ये जॉ लाइन कुछ इधर से दिखे, तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ है, स्मूथ में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करता, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, वही सिर्फ मैं बस ऐसे और ऐसे स्टेप्स में मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाला है कि आप लोग जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक है, आपका जो कोई यहाँ पे सिंपल से अगर मैं एंगल यहाँ पे करता हूँ, तो एंगल मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ किया, ये शेप्स कैसे जा रहा है, ये पार्ट आपका ऐसे करके यहाँ पे जस्ट ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखो मुझे ऐसा कुछ देना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट लगा सकता है, इतना पार्ट में बस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको एनाटॉमी और थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर दूँ, जैसे जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो ये पूरा पार्ट होल सेप लेंगे हाफ यहाँ पे, इसको यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो फेस के अंदर देखेंगे ये सेंटर पार्ट में दिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मिला के 5 eyes का स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है, जितना पार्ट आपको यहाँ पर उतना ही पार्ट आपको इधर भी आने वाला है, अगर जस्ट डुप्लीकेट करके देखोगे उतना पार्ट आपको यहाँ पर आएगा, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा भाई होल सेप का ये पार्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पर शेप स्ट्रक्चर किस टाइप से है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, फ्रंटल गोल में किस टाइप से काम करो, सुपर सिलरी आर्क में किस टाइप से आप काम करो, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टैंड वाइज भी मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, और देन यहाँ से भी मैं दिखा पे तो चीज़ों को मैं अगर दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे कैसे दिख रहा है, पार्ट थोड़ा सा ओवर यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सॉकेट आपको देना है, जो हमारे पास आई का सॉकेट होता है ये भी क्या होता है आपका स्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ देखो आप यहाँ पर अगर देखो तो थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो आप स्टैंड थोड़ा सा और बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है, लाइटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा डील करने के कैसे आप चीज़ को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। तो जब आप ऐसी चीज़ को स्टडी करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्या काम करना है। देखो इनके कुछ नाम जो आप थोड़ा सा याद रखना है, नाम एंड मसल्स, ब्रोडीज है, ब्रोडीज कैसे जा रहा है ये ऐसा, और देन यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं बनाता हूँ तो ये देखो ये पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आता है, जो बस ब्रोडीज है ना ये ऊपर की तरह आता है नीचे की तरह आता है, तो इसके लिए हम लोगों ने पार्ट हाईलाइट किया है, नीचे दिख रहा है चीक्स बोन, चीक्स बोन वाला पार्ट कैसे जा रहा है आपके पास यहाँ पे, ये देखा पे चीक्स बोन वाले पार्ट के साथ हम लोगों ने दिखाया, जैसे हम लोग ये बेसिक शेप हमने दे रखा है पे, तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है, तो ये हमारे पास आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, माउथ बैरल है, चिन बॉक्स है यहाँ पे, जस्ट आप चाहो तो आप यहाँ पे चूहे को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे चिन का पार्ट कैसे है, तो चिन के पार्ट को आप यहाँ पे वन बाउंड करके थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है, लाइटली मैंने बहुत लो स्टैंड ले रखा है, कम स्टैंड ले रखा है, तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो बेसिक पहले आपको देखो ये स्ट्रक्चर आपको आइडिया मिलना चाहिए, देखो अभी यहाँ पर हमने देखा तो मेरे पास यहाँ पे फोकस देन शिफ्ट एंड क्लिक के यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो गैपिंग है वो गैपिंग कैसे होनी चाहिए, एक आइस के गैप में होना चाहिए, तो वो गैपिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे। तो और आपको यहाँ पे बोलूँगा भाई मुझे यहाँ पे तो रेफरेंस वाइज मैं थोड़ा सा चीज़ को डील करूँ यहाँ पे, ठीक है, आई का शेप कैसे जाता है, ये आई का शेप देखो ये आपका ऐसे जाएगा, देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे क्या ऊपर कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे मास्क कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट और देन ये कंट्रोल प्रेस करो आप यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, देख रहे यहाँ पे। तो शेप्स को मैं अगर मैं बेसिक मैनेज करूँ तो मेरे पास आइडिया मिलेगा, तो कम चीज़ों के साथ हम लोग ऐसे डील करते, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो ये इधर मैंने लिया, ये पार्ट मैं ऐसे दे सकता हूँ, जस्ट इसके अपोजिट में कोई लाइन देते हैं, ये ऐसे किया यहाँ पे, ये नीचे करके इधर जा रहा, तो यहाँ पे हल्का सा पार्ट देखो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे ऐसे रहेगा यहाँ पे, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, ओके, जैसे फोकस किया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जस्ट
कंट्रोल शिफ्ट इतना बार लिया मैंने यहाँ पे फोकस, यहाँ पे एक सोलो करके ऑप्शन भी आता है यहाँ पर, फोकस करते हो आप यहाँ पे सोलो करके ऑप्शन में आप यहाँ पे चाहिए तो ऐसा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं यहाँ पे चाहिए तो ऐसा मैं मैनेज कर दूंगा, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट, देखा यहाँ पे तो ये ऊपर का कट ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कट आपको यहाँ पे आ रहा है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम करना है, यहाँ का स्ट्रक्चर आपको कैसे फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट दिखा है, हल्का सा वेटेड पार्ट दिखेगा, तो आप यहाँ पे हल्का सा क्ले बिल्डअप से यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो, मैं जब यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कम है, कम मतलब सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे कम दिख रहा है, देखा यहाँ पे तो अभी यहाँ पे मुझे सेगमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल एंड शिफ्ट देखा पे। तो अभी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को मैनेज करता हूँ, शिफ्ट एफ, इसके बाद व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे डिवीजन ऐसा है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, जेट डिमेसर को यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। जेट डिमेसर क्या करेगा, जस्ट मेरे पास जो चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे क्या सेम करना चाहता हूँ, हाफ करना चाहता हूँ, हाफ कर दिया मैंने यहाँ पे, देन जेट डिमेसर देखो, पहले सेगमेंट देख लो फिर मैं आपको जेट डिमेसर करके बताता हूँ। शिफ्ट एफ देखो, सेकंड मेरे पास ऐसा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जेट डिमेसर कर दिया यहाँ पे, थोड़ा टाइम लेगा ये सेगमेंट्स को हाफ में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, आप फ्लो देखो जो हमने अभी ड्रॉ किया वैसा फ्लो ये लाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज की लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ऑरेंज वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आपका यहाँ पे काम, अब देखो शिफ्ट एफ तो आपको यहाँ पे आपके सेगमेंट्स भी आ गए, देन आपका यहाँ पे तो आपको कम से कम चीज़ों में डील करना पड़ेगा, डिटेलिंग हमारे वही रह रही है यहाँ पे। मैं इसके बाद अगर और भी जाऊँ जैसे जेट डिमेसर कर रहा पे, जेट डिमेसर में यहाँ पे क्या करता हूँ हाफ और करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं डिवीजन दूंगा तो बस यहाँ फ्लो वही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो ब्लॉकिंग बना दिया वो ब्लॉकिंग के साथ बेसिक बेसिक लुकिंग भी आपको यहाँ पे रहने वाला है। कम सेगमेंट में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैं इसके अंदर काफ़ी लाइक पॉइंट्स को मैं एक्टिव कर सकता हूँ, जैसे देखो ये एक्टिव पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे 1 लाख के आसपास दिख रहा है, 1,06,744 इतना पॉइंट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखूँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बनाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरे को दिख रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर काम करना चाहूँ देखो यहाँ शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं लुक एंड फील देख के मैं मैनेज कर सकता यहाँ पे। ठीक है, जेट डिमेंशन मेरे पास एक पार्ट ये भी आता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे पार्ट आएगा थोड़ा डिटेलिंग वाला पार्ट यहाँ पे, कम सेगमेंट्स में मैंने यहाँ पे डील किया तो मैं ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। एक चीज़ और जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अंडू किया वापस मैं इस जगह पे आ जाऊँ, अगर लगे कि नहीं यार मैंने मेहनत की है वो जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो और इस चीज़ को मैं वापस भी लेके आ सकता हूँ, देख रहे हैं ये पार्ट आपका ऐसे भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके ठीक है, मुझे अब यहीं पर रहने देता हूँ, जेड डिमेंशन यहाँ पे गया ना पे। ठीक है, दिस इज़ गुड, स्विफ्ट एफ मैं पे अभी कितने डिवीजन दे सकता हूँ, मुझे लगेगा जब डिवीजन कम है तो मैं चीज़ों को और बढ़ाऊंगा यहाँ पे, मैं डिवाइड देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीट पता चल गया, जेड डिमेसर किया मुझे लगा कि मेरी और सा डिटेलिंग ज़्यादा चली जा रही है तो मैंने अभी वापस कर दिया पे देखो यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, शेप्स को तो आप देखोगे आप यहाँ पे स्टेंट में, देखो यहाँ पे स्टेंट में आपको थोड़ा ध्यान देना है फोकल शेप। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो आप यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सोलो वाला पार्ट है आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है तो आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं, शेप और स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे दोस्तों फॉलो करके दिखाएंगे। जब मैं रेफरेंस के अंदर में डील करता हूँ तो मुझे रेफरेंस के अंदर मुझे कैसे काम करना है, ये पार्ट मेरे साथ आ रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट को मैं तो ऐसा अगर यहाँ पे दूँ तो मुझे कैसे डील करना है यहाँ पे। ठीक है, उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, फोकस कर दो आप यहाँ पे, तो छोटी छोटी चीज़ों को जहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को मैं तो ऐसा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अभी इन्हीं चीज़ को मैं तो ऐसा लेता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो मेरे पास ये रेफरेंस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बना दूँ फिर बाद में मैं मैच करना स्टार्ट करूँ कि मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ कैसी है। दूसरी चीज़ एक पार्ट और आपके पास है, जैसे मान लो मेरे पास एक रेफरेंस है, ठीक है, मैं इनको मैं मैनेज करूँगा, ठीक है, इन चीज़ को मैं फुलफिल करूँगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि मेरे पास जो रेफरेंस है मैं इनको एक बार यहाँ पे भी लगा के देखता हूँ, जैसे फ्रंट में आ गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी फॉर क्रॉप, मुझे कितनी नीड है, इतने तक नीड है, अभी मुझे क्या शिव जी बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिया। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी क्या करते हैं, जब मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ पे, मैंने ठीक है यहाँ पे इतना काम कर दिया, यहाँ से मेरे पास इतना पार्ट है, ठीक है मैनेज कर सकते हैं, एंटर। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल आर रूलर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे इतना गैप चाहिए तो मैंने यहाँ पे इतना गैप लिया यहाँ पे, ठीक है इतना पार्ट लेके, या मैं इतना पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, ये प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए देखा था? ठीक है, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, बैक पे गए, कंट्रोल जे कर दिया मैंने, कॉपी, वी प्रेस कर दिया मैं यहाँ पे, सिर्फ प्रेस यहाँ पे ला सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, चलो ऐसा कुछ फिल अमाउंट है, फिल अमाउंट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। कि ये क्रॉस चेक करना फ्रंट और बैक आपका कवर दिखे, मतलब मैच दिखे यहाँ पे। ठीक है, आपको ये कोई लाइन दिख रहा है यहाँ, इस लाइन को आपको दोनों फॉलो करना है बिल्कुल, दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे, इस लाइन को फोकस करो तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्केचिंग आर्टिस्ट अगर बढ़िया बनाते हैं तो ये सब चीज़ों को मैनेज करके देते हैं यहाँ पे। तो मैं बस फ्रंट और बैक यहाँ पे हो गया, दूसरी चीज़ कंट्रोल एंड क्लिक करो तो मुझे यहाँ पे इतना ही जस्ट कॉपी कर सकता है, फ्रंट वाला भी कंट्रोल जे कर दिया, ये कॉपी हो गया। उसके बाद साइड वाले पार्ट को लेकर आते हैं यहाँ पे, कितना पार्ट है मेरे पास? इतने ही पार्ट है, इतनी की ही नीड है, नीड इतने की है, मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, वी प्रेस कर दिया, देन चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, सिंपल था पार्ट। आप चीज़ों को लेके आओ तो आप स्विफ्ट प्रेस करके आप देखे हो तो ऊपर रखना है मुझे सबसे ऊपर। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। इनको मैंने कर दिया ऑफ। अभी मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, सी फॉर क्रॉप कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, सी फॉर क्रॉप। मैंने कहा भाई मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, कंट्रोल प्लस, मेक श्योर कहीं कुछ एक्स्ट्रा ना कटे, ये ऑफ कर दिया मैंने, ये ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को सेव करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गए एंड सेव एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं भाई, मेरे पास है लॉर्ड शिवा के यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉर्ड शिवा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट है ऑफ आर वन टू फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीएचडी में रखना चाहता हूँ पीएचडी में रख सकता हूँ, जेपीजी जिसमें भी रखना है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने जेपीजी लिया मैंने, चल भाई। ठीक है, ये मेरे पास फ्रंट आ गया, मुझे इसका बैक भी चाहिए, तो बैक में बस यहाँ पे बैक को मैंने ऑपोसिटी कर दिया पे, इक्वल है कोई दिक्कत नहीं, फाइल सेव एज पे गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया जेपैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैक बैक। ठीक है, ये कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो इसके बाद मुझे यहाँ पे ये काम भी चल जाएगा, यहाँ पे साइड वाला पार्ट है तो मैं सेंटर में रखना है, ये चीज़ और ध्यान देना है। मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो साइड की भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट ना करना पड़े तो मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रूलर लिया, रूलर से मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो साइड वाले पार्ट का मैं यहाँ पे फिल करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए भाई साइड में ऐसा कुछ हो तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइड में जाके अगर मैं इन सब चीज़ को सिंपल द पार्ट कलर मुझे ऐसे देना है वैसे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉलिड कलर दे दिया यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक साइड यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, फाइल सेव एज। ठीक है, जेपैक, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइड। मुझे साइड के भी दो पार्ट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, साइड जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट साइड कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, अगर लेफ्ट साइड यहाँ पे कर दिया तो ये मैं सेव कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, ऑरिजिनल करके देखो यहाँ पे, एंड देन राइट साइड कर दूँ यहाँ पे, फाइल सेव एज। ठीक है, ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ को पकड़ा यहाँ पे, और देन ठीक ये मैंने कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग गए और जो हमने फोल्डर जो मेंटेन किया वो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया यहाँ पे। अभी आते हैं जीवस में, अभी यहाँ पे मैं जो डिटेलिंग करने वाला हूँ, चीज़ों को बनाने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। लाइट बॉक्स में गए, लाइट बॉक्स में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, व्हाट आई वांट, यहाँ पे ग्रिड भी मिलता है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी ग्रिड ले लो। ठीक है, ग्रिड में जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, आपको पार्ट मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या, जो मेरे पास रेफरेंस है, जो मेरा मॉडल है,
दोनों डिफरेंसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ड्रॉप पे गए, ड्रॉप पे जाने पर यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे मिल रहा है पहले फ्रंट, फ्रंट पे क्लिक करो, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये करो, इम्पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन कंट्रोल वी, देन एंटर, बस फ्रंट वाली इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रंट को मुझे मैच करना पड़ेगा, मैं मैच करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज़ को थोड़ा मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे किया, एक यहाँ पे फ्रंट के साथ पीछे बैक भी है, क्लिक करना है यहाँ पे, देन इम्पोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ये मैं उसका वो बैक हो गया यहाँ पे, बैक में आपका यह ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो मैं सेंटर लाइन है, ठीक है, या तो ओरिजिनल ऑफसेट दिख रहा है, ओरिजिनल ऑफसेट या पर किस पे पर क्लिक करके काम करना पड़ेगा, ओरिजिनल ऑफसेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक करेगा फ्रंट बैक फ्रंट, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप ओरिजिनल ऑफसेट से थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ओके। स्केलिंग भी है, स्केलिंग भी करेंगे, ठीक है। जितना मैंने ऑफसेट यहाँ पे किया उतना मुझे ऑफसेट इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्लिक किया, कॉपी कर लिया, अभी यहाँ जाओ साइड में जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो कंट्रोल वी करके देखो तो कुछ काम होगा, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, क्लिक करो यहाँ पे कंट्रोल सी, नहीं हुआ क्या, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, लाइक 5885 करके यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइव एट एट फाइव ओके, ठीक है, ये काम अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। तो मैनेज कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, भाई ये इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ पे जो काम करना है तो मैं ऐसे में इधर भी मैं मैनेज कर पाऊँगा, देखो अगर सेंट्रल लाइन में ऐसे भी मैं मैनेज करके देखूँगा, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी काम करूँगा, तो ऑफसेट ये चीज़ हमें मैनेज करना आ जाएगा। दूसरी चीज़ चलते हैं यहाँ पे, लेफ्ट है, लेफ्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे अभी लेफ्ट में मुझे ऐसे देना, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट के नाम से डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इमेज ले लोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है। रेफरेंस कैसे लगाने पता चल गया, रेफरेंस का आपको बस यहाँ पे आता है, लाइक आपका यहाँ पे मिलता है ग्रिड साइज, ग्रिड साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप मैनेज करोगे तो आपको चीज़ दिखेंगे, भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। अभी मुझे यहाँ पे दिखाना था थोड़ा सा पाइपलाइन दिखाना था मुझे माया के साथ, इसलिए मैंने माया से स्टार्ट किया कि चलो माया में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो पार्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, मुझे अरेंज करना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास चीज़ यहाँ पे आ सकते हैं। तो मुझे कैसे क्या काम करना है चीज़ों को, तो मैं एक बार बेसिक लुक एंड फील दे दूंगा, भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने ग्रेड स्किल किया तो मैंने स्किल थोड़ा सा ऐसा कुछ किया, थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे मैनेज हो सकता है यहाँ पे, ये मैनेज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो ये तो मैंने स्केल किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ठीक है। मेरे पास मॉडल है, या तो मैं मॉडल को अपने लेके आऊँ, सिंपल सा पार्ट। तो यहाँ पे मैं मॉडल को अगर लेने जाता हूँ तो मैं क्या क्या मैंने काम कर रखा है ये देखने का, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी देखो यहाँ पे मैं काम कर, मेरे पास यहाँ पे इक्वली आ रहे हैं यहाँ पे, जो जो मैंने काम किया सब कुछ यहाँ पे इक्वली मैनेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अपने मॉडल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, भाई मुझे मॉडल को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट देना आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। प्लेसमेंट देने का लाइक पार्ट क्या आएगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सोलो कर दिया, सोलो में यहाँ पे आ गया, तो जल्दी से हम थोड़ा सा टचअप देखते हैं, भाई मुझे यहाँ पे कितना काम करना है। रेफरेंस थोड़ा सा लगाना, अगर लगता है कि आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ देखें यहाँ पे कैसे क्या काम है। ऊपर से फिल्म मोड है, यहाँ पे फिल्म मोड देखो, ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये देखो फिल्म मोड यहाँ पे क्या काम करने वाला है, ये ऐसा कुछ और इस टाइप में ज़्यादा डिटेल भी दिखेगा आपको यहाँ पे, कि अगर आपको दिखना है तो आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक है। जी देखो मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर हमने काम किया यहाँ पे। अभी मैं अपने रेफरेंस को फॉर टाइम, जैसे मेरे पास रेफरेंस है यहाँ पे, फ्रंट एंड बैक आ गया, फ्रंट एंड बैक को भी मैंने लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, यहाँ पे मैंने कहा भाई चल यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ पे लाना इक्वली है ऐसे करके, शायद ये अभी काम कर जाए, ठीक है।
इतना मैंने काम किया, उसके बाद मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा भाई चल मुझे यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट चाहिए, तो वर्टिकल ऑफसेट दिख रहा है तो वैसे करके मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो वर्टिकल ऑफसेट में मुझे कहाँ काम करने में आसानी होगी, देखो ये पार्ट में दिख रहा है, मैंने वर्टिकल ऑफसेट किया मैंने यहाँ पे, तो वर्टिकल ऑफसेट में अंडू करता हूँ पे, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, अंडू वर्टिकल ऑफसेट कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, देखा ये मैंने कर दिया जीरो, ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मैं बस ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो नीचे वाले पार्ट को मैं बैलेंस कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम करने का प्रोसेस भी बताऊँगा काफ़ी तक, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने काम किया, ये पार्ट में कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा टचअप दे दूँ यहाँ पर, बाकी मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो व्हाट यू वांट, चलिए यहाँ पर तो थोड़ा सा ब्लॉकिंग कर लेते हैं यहाँ पर, चीज़ों को अरेंज करते हैं, मूव टूल पर गए, ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक पर आ गए यहाँ पर। मैंने कहा चलो मैंने अभी थोड़ा सा काम किया, मैं बस पहले मैंने रेफरेंस यहाँ पे जीबस में नहीं ले गया, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कर देते हैं ये काम। अगर लो डिवीजन पे करो तो ज़्यादा बेटर है, जितने लो पे करो देखो, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखा चीज़ कितने हैं, इतने दवा से थोड़ा सा, ठीक है, डिटेलिंग है, डिटेलिंग का थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, पार्ट देखें यहाँ पे शोल्डर वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करें। क्योंकि एक मैनेज करने के बाद ऐसा मूव टूल के साथ मैनेज कर रहा हूँ, दूसरा मैनेज करने का एक और तरीका है, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करो तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगे यहाँ पर, ये आपका एक अनदर ऑप्शन है। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पोजिस बनाना है, पोजिस बनाने के लिए चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो पहले मेक श्योर कंफर्म कर लो यहाँ पे भाई सब चीज़ों को, यहाँ पे सामने सही है लेकिन पीछे सही नहीं है, तो करना क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ पे गया, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मास्किंग कर दिया यहाँ पे। मास्किंग का यूज़ क्या बताता हूँ आपको, जैसे मास्क कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने मास्क किया यहाँ पे, ये चीज़ मैंने ऐसे कवर कर दिया। मुझे कोई भी शेप हो तो सर मुझे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव टूल, यहाँ पे मूव टूल आ रहा है यहाँ पे, फ्लोर को ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रहा है जो यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मुझे इन्हें मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मास्किंग कर दिया यहाँ पे, फिर से रोटेशन पे आ जाओ यहाँ देखो, ठीक है, रोटेशन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैं रोटेशन ऐसे दे सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने कहा भाई मुझे मूव भी करना है, तो मैं ऐसे करके मूव करके देख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा ऐसे आ जाओ, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो आपको एक थोड़ा सा डील करने का और आइडिया मिल जाएगा, मैंने ऐसा कुछ डील किया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आने वाला, तो मैंने ऐसा कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने हैंड मैच किया, चलो मैच किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कुछ और भी गड़बड़ हो गया, तो इससे डरना नहीं, क्या देखो डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करो ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ओ ओ ओ ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा डरने की जरूरत है, देखो यहाँ पे जब मैंने अंडू किया ना यहाँ पे, मैं मास्किंग में थोड़ी सी दिक्कत है कि मास्किंग को मैं थोड़ा सा प्रॉपर करूँगा, देखो यहाँ पे क्या छूटा उसे मास्किंग को, तो आप कवर कर लो क्या यहाँ पे, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो आपको तो यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, वही कैसे आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं यहाँ पे, रोटेशन पे गया, रोटेशन कर रहे हैं, देखो रोटेशन में आप यही काम कर रहे हैं ना, आप आसपास की चीज़ें कवर कर जाएंगी, बाकी इधर उधर चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत कर देती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, मूव लिया मैंने, मूव के साथ ऐसा कुछ काम किया, मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो तो अभी मैं यहाँ पे जब मैं मूव कर रहा हूँ, मूव के साथ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, फ्लोर ऑफ करो, यहाँ पे क्या होता है मास्किंग होता है, मास्किंग यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, मास्किंग है मेरे पास यहाँ पे, मास्किंग में थोड़ा सा मैं पे क्या करता हूँ, ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे, ब्लर किया, ब्लर करने से क्या होता है आसपास में तो इफेक्ट होगा, तो सॉफ्टली डील करेगा यहाँ पे। तो मैंने अभी ब्लर किया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा, तो थोड़ा सा वो मैनेज ऐसे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर देखो तो मैं बस ये कैसे आ रहा है, ये आगे तक आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसा है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसे फ्रंट में साइड में आपको कैसे डील करना है, आप ऐसे करके डील करोगे। तो जस्ट हमने ब्लॉकिंग तो बनाया था, ब्लॉकिंग के साथ हम चूज कैसे कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, वही चलो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ गया, तो व्हाट आई वॉन्ट मैं यहाँ पे थोड़ा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे गए, मूव लिया, मूव पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट, ठीक है। ब्लॉकिंग में बस ऐसा कुछ है तो मैंने ब्लॉकिंग पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए, स्विफ्ट एंड स्मूथ तो हमने थोड़ा सा मैनेज किया, वो थोड़ा सा इधर भी मैनेज कर देंगे फिर,
तो ब्लॉकिंग ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। वापस हम लोग एक बार अनॉटमी को टच करेंगे, लाइक ब्लॉकिंग मैंने किया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। फिर बैलेंस करने में क्या देखा, फिर जो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे पार्टी पार्टी सीधा सीधा पाएगा, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ पे। ठीक है, यहाँ देखो मेरे पाँव छोटे पड़ रहे हैं, यहाँ पे पाँव छोटे पड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं ये पार्ट में बस यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव पे गया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, मेक श्योर ये आप थोड़ा घुमा के करोगे तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, देखा अभी फ्लोर को ऑफ कर दो, यहाँ पे ऐसे भी करके देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है पे, आप चाहो तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। देख रहे हैं यहाँ पे मास्किंग मत भूलना, मास्किंग का यूज है, पोजेज आपके पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ऊपर देखो पूरा पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्लोर कर देता हूँ, फ्लोर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव किया, मूव करके मैं नीचे ला सकता हूँ, क्या पे नीचे या फिर स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग कर सकता हूँ पे, स्केलिंग किया मैंने तो था मैनेज भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा एडजस्ट करूँ तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा सा हाइट बढ़ा दी, दूसरी चीज़ डिसलेक्ट करता हूँ, ड्रॉ मैंने बोला था ड्रॉ पे गए, यहाँ पे गए ड्रॉ पे आपके पास यहाँ पे आया था। ठीक है, साइड वाले पार्ट को पकड़े यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, तो ये पार्ट कौन सा है आपका, दिस वन। ठीक है, दिस वन पे गए और ओरिजेंटल ऑफसेट ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना था, किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास थोड़ा सा और चीज़ों को बैलेंस कर देगा भाई, आपको कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फ्रंट मैच किया, साइड मैच किया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चीज़ों को मैं मुझे मैनेज करना है तो मैं आप चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर लूँगा, कोई मुझे शेप्स को कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी जो हमने एडजस्टमेंट किया तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सा चीज़ को बैलेंस कर लें यहाँ पे, तो क्ले बिल्डर पे गए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज किया। ठीक है, डेल्टॉइड वाला पार्ट है, डेल्टॉइड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे देना, थोड़ा सा आप स्कल्प कर दोगे अपने आप यहाँ पे तो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, वॉट यू वॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं निगेटिव स्कल्प कर दूँगा, तो थोड़ा सा निगेटिव स्कल्प में चीज़ को मैनेज करते मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं जस्ट। अभी आपको एक चीज़ आपको अच्छे से पता चला कि आप चीज़ों को एडजस्ट कैसे कर सकते हो, आपको एडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करने का आपको मेथड पता चल गया भाई, अगर मुझे यहाँ पे कभी भी रेफरेंस लगा तो रेफरेंस के साथ मैं कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे दिख रहा है ये जो पार्ट है ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है आपका, लाइक यहाँ देखो जो निकलता है बैक वाला पार्ट निकलता है, ये पार्ट निकलता है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट आपका बाहर निकलता है, ये वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ जाता है। तो आप ये ऐसे कर लो या फिर ऐसे आप नेगेटिव स्कल्प करके कर लो, सेम वैसे ही लुक एंड फील में आप थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करोगे तो आपको काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, तो जस्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, फिर मेरे स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, किस टाइप से जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने रेफरेंस सेट किया, रेफरेंस हमारे पास फ्लोर में दिख रहे हैं यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करोगे ये फ्रंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अभी थोड़ा सा चीज़ों को रेफरेंस के साथ क्लिक करो, हमने बिना रेफरेंस में थोड़ा सा काम किया था, अभी रेफरेंस के साथ मेरे पास यहाँ पे मैं काम करने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नीचे से स्टार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सेव प्रेस कर दिया पे देखा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास मैनेज करने के लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देख रहे भाई ये जो पार्ट आपका ऐसे आएगा तो मैं थोड़ा सा अभी फ्रंट वाले रेफरेंस का आपको समझना होगा, फ्रंट वाला रेफरेंस कैसे आता है आपके पास। ठीक है, तो जस्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर देना। ठीक है, ठीक है, ये काम मैंने कर दिया भाई, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे तो होगा कैसे मैनेज करना है। ओके, ये पार्ट मैं करूँगा यहाँ पे, मैं आपको इन चीज़ों में मैं थोड़ा सा आपको अलग से वर्कआउट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो आप देखा भाई ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे ऐसे निकलेगा क्या भाई, तो इन चीज़ों का पैसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो ये पार्ट देखा यहाँ पे इस टाइप से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा आपको, भाई मुझे थोड़ा सा रेफरेंस वाइज थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैं आप उतने तक मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके मैच कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा नए स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा भाई, उन्हें थोड़ा सा इस टाइप से काम नहीं करना पड़ेगा भाई, कहाँ पे क्या काम करना है भाई, तो ये थोड़ा सा कट जाएगा यहाँ पे। अनाउट में वाइज चीज़ों को थोड़ा डील करोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना भाई, मेरे पास चीज़ें हैं तो फ्लोर वाइज मैंने यहाँ पे काम किया, थोड़ा सा रेफरेंस वाइज यहाँ पे थोड़ा सा डील करें यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं चीज़ को और मैनेज करके देखूंगा, मुझे यहाँ पे किस तरह से काम करना है यहाँ पे ध्यान देने के। मैं देखो बैक मैंने निकाला, लेकिन बैक में बस कहाँ तक जा रहे हैं यहाँ पे, देखो रेफरेंस में बस यहाँ तक ऐसे जा रहा था, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, मैं बस ये गायब हो गया, देखो ये कंट्रोल शिफ्ट ये गायब हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को इस टाइप से भी मैं मैनेज करूँगा भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब मैंने टचअप देने आया तो आपको मुझे थोड़ा सा क्या पता चला, ऐसे मुझे इधर की तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट कर दो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा भी करो तो भी बहुत बढ़िया नहीं होता क्या भाई, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टर्न किया, थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे विद प्रोपोर्शन, ठीक है, और व्हाट आई वांट यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ यहाँ पे, कुछ वहाँ से रेफरेंस के साथ, कुछ यहाँ के रेफरेंस के साथ, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। तो देन प्लस 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 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, तो अभी मैं देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट वाला पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, ये चेस्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये चेस्ट वाला पार्ट आपको लाइन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है बस ये जो पार्ट आपका सर है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लोर, देन ये पार्ट आपको यहाँ पे चीज़ को कैसे मैनेज करना है, फ्लोर कर दो आप यहाँ पे, देन फिल अमाउंट ये कर दो, और ये मैंने यहाँ पे फिल अमाउंट यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे, और ये जस्ट स्टेप से आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे ऑपेसिटी भी मिलेगा, एनहेंस ऑपेसिटी करके यहाँ पे कितनी ऑपेसिटी है डील करो आप देखो, जो ऑपेसिटी के साथ मैंने डील किया पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ पे, ठीक है। ये देखो पार्ट मैथ्स में बस ऐसे कुछ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी चीज़ मुझे थोड़ा सा अधिक लगे यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँगा, ठीक है। स्विफ्ट प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर देना पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, नेक वाला पार्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, फ्लोर पर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो छोटी छोटी चीज़ को मैनेज करना है कि विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, ये देखो आपको देखें, ठीक है, ये पार्ट देख रहे हैं बस यहाँ पे, ये ऐसा कुछ पार्ट आपको ऐसा कुछ, ठीक है, फ्लोर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ में बस ऐसा कुछ दिखेगा, तो देखो आप विच चीज़ आप हम लोग रेफरेंस के साथ डील करें, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ और कहता हूँ मेरे पास देखो जो रेफरेंस है उन रेफरेंस को मैंने यहाँ पे दे रखा है भाई, मेरे पास यहाँ पे जो रेफरेंस है मैं तो इसको साइड टू साइड भी देखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जॉ लाइन दिख रहा है तभी मैं यहाँ पे चूँ, देखो जॉ लाइन ये दिख रहा है, जॉ लाइन ऐसे क्या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो रहता है ना कि हम लोग जो चीज़ को बना रहे हैं लेकिन बस क्या रेफरेंस दिए तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको उन चीज़ को थोड़ा सा रोकना है, जॉ लाइन दिख रहा है आपके सामने, तो स्ट्रक्चर आपका आपको मिल गया तो आपको फिर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, बात समझ ये, अगर आपको पार्ट देखोगे आप यहाँ पे जूम 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 प्लस करके जूम करो आप, ठीक है, यहाँ देखो बस अभी मैं उसका नोज कहाँ जा रहा है भाई, नोज लिप्स ये देखो फ्लोर किया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई मैं बस चीज़ें ऐसी जा रही हैं, ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्रैबिंग मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया फ्लोर पे गया डी मैंने प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है भाई, तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने कहा चल भाई आज नीचे आ जाओ, अभी थोड़ा आइडिया मिल रहा है प्रोपोर्शन यहाँ पे मैच करेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन के साथ आप काम करते होते हैं आपको चीज़ें देखती हैं क्या कि भाई मुझे यहाँ पे तो अब रेफरेंस का देखो कितना बेनिफिट है, हम लोग जो चीज़ बनाए थे एग्जैक्ट रेफरेंस मिलेगा तो हम लोग चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है, थोड़ा सा चीज़ को मैंने मैनेज किया देखो फ्लोर वाइज, अभी चीज़ को मैं पे थोड़ा सा मैनेज करके देखूंगा मैं बस चीज़ कैसे आती है, जस्ट ब्लॉकिंग एक बार सेट हो गया आपका रेफरेंस तो आपको फिर टेंशन नहीं है, ठीक है, देखें आप आइस वाला पार्ट आइस का बेसिक स्पेस तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, फिर से डी प्रेस करो फ्लोर ऑफ करो, ठीक है, तो मैं उस यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फिर, ठीक है, ये भी हमने क्या किया जस्ट फ्रंट से मैनेज किया, साइड हमारा बचा हुआ, ठीक है, देख रहे हैं ये पार्ट आपका यहाँ पे देख चुका हूँ, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, अभी थोड़ा सा मैं एनाटॉमी को फॉलो करना ही करना है, लेकिन व्हाट आई वांट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर लें, देखो बैलेंस करने वाला देखो यहाँ पे देख रहे हैं
तो मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा भाई चल एक काम कर, साइज मैंने बड़ा कर दिया बिग बैकर से, देन स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, फ्लोरिंग ऑफ किया, डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर, जितनी मैं डिटेलिंग दे जाऊँगा उतनी डिटेलिंग मेरे पास यहाँ पर चाहिए, वो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, डिटेल में चीज़ बहुत बेटर नहीं दिखते हैं लोग। अभी देखो यहाँ दिख रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे दिखा, अभी यहाँ पे चीज़ को देखो तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे जा रही है, रेफरेंस को दोस्तों देखो यहाँ फ्लोर है मेरे पास यहाँ पे, मैंने अभी क्या किया साइड पे गए, यहाँ देखो साइड में काफ़ी चीज़ आपके पास यहाँ पे कवर हो जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया तो मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे नेक वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग रेफरेंस को फॉलो करते हैं, रेफरेंस मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, मुझे यहाँ पे दोस्तों रेफरेंस यार ऐसे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, जो मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है। दूसरी चीज़ एक बार देख लो कि मुझे इसको थोड़ा सा आगे पीछे करने में मेरा अगर काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, मुझे फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट यहाँ पे करता हूँ, पहले पार्ट फेस वाले पार्ट को मैं कवर अप करता हूँ, फेस वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो कितनी चीज़ें हम लोगों ने बनाया लेकिन अभी कितनी चीज़ मिसमैच दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उन चीज़ों को मिसमैच को हमें यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस वाइज चीज़ों को थोड़ा डील कर देना पड़ेगा। तो रेफरेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप रेफरेंस का डील करते हो तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। मैं रेफरेंस थोड़ा सा आपको यहाँ क्या करूँ, लिंक में मैं शेयर कर दूँगा यहाँ पे, तो भाई लिंक में आप चीज़ों को मैनेज कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये आईज वाला पार्ट आपको यहाँ कहाँ जा रहा है ये देखो, यहाँ पे देख रहे ये पूरा पार्ट, अभी ये क्या प्रोपोर्शन अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, देख रहे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शन मैच करता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चूको मैनेज करना पड़े, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, बात समझ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेफरेंस के साथ आपको थोड़ा सा डील करना मिल जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ पे कोई चीज़ दिखनी है हम लोग वहाँ पे एनाटॉमी का पूरा पार्ट हम लोग फॉलो करने वाले हैं, दिख रहे हैं सेफ कैसे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है, जो हमने वर्कआउट किया। तो अभी ये पार्ट आपने कैसे देखा, आपको रेफरेंस का थोड़ा डील करोगे तो आपके पास थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपके पास। शेप्स को यहाँ पे देखो, शेप्स मेरे पास है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ और अलग है, अभी अलग है तो कैसे डील करें, देखो यहाँ पे चीज़ तो मैंने मैच कर लिया, अभी यहाँ पे मुझे चीज़ को मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये जो शेप है शेप के साथ मुझे यहाँ पे इतने पार्ट को मुझे थोड़ा सा रोटेशन देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, लोड कर दिया मैंने ऑफ, ठीक है यहाँ पे। अभी मुझे इतने पार्ट में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ पे गए, ये देखो मैं पोजेस जो बना रहा हूँ ना, पोजेस बनाने के लिए एक और शिफ्ट डी, जितने कम डिवीजन पे काम करो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये जितनी कम डिवीजन पे काम करो उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे तुम्हारे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव पे गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देन देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट ऐसे करके टर्न कर देता हूँ, ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मेक श्योर एक बार घुमा के देख लो आप यहाँ पे, ये ना और तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे करके मैं अगर मैनेज करूँ फ्लोर वाइज, देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितनी मेहनत करना होता है, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, इसके बाद कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, फ्लोर ऑफ कर देना आप यहाँ पे, देख रहे हैं ये पार्ट में यहाँ पे आ गया, इसके बाद फिर से पोजिस दे रहा हूँ यहाँ पे, फ्लोर वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डील करूँ यहाँ पे। ये आपको आइडिया मिलना चाहिए कि पोजिस कैसे दे रहे हैं, फ्लोर वाइज चीज़ों को कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, और देन कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो यहाँ पर। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करने का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है।